कुछ साल पहले प्रधानमंत्री यहां आए थे, याद है आपको, भाषण दिया था, याद है, आए थे हम, जैसे अब दो दिन में आने वाले हैं। उस टाइम आए थे, कहा था गन्ने का इलाका है, चीनी मिल चालू करूंगा और अगली बार वापस आऊंगा तो आपके साथ यहां की चीनी चाय में मिला के पीऊंगा। याद है आपको? याद है ना? चाय पी आपके साथ ना। पंजाब में दशहरा हुआ, पहली बार मैंने देखा, आमतौर से दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पहली बार देखने को मिला कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी और अदानी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। अजीब सी बात है, आमतौर से दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है और 2020 में पंजाब में, पूरे पंजाब में दशहरा पर रावण नहीं जलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का, अंबानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है। क्यों? कारण क्या है? आज हिंदुस्तान का किसान, पंजाब का किसान नरेंद्र मोदी जी का पुतला क्यों जला रहा है? बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है और दुख की बात है कि दशहरे पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। खुशी की बात नहीं, दुख की बात है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो नीतीश जी ने बिहार के साथ 2006 में किया, वो आज नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, शहर का सहारा गांव होता है, गांव का सहारा किसान होता है और किसान का सहारा उसका खेत होता है। खेत के बिना, किसान के बिना शहर नहीं चल सकता, यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये जो तीन कानून नरेंद्र मोदी लाए हैं, जिसका पहले पायलट प्रोजेक्ट बिहार में किया गया था, ये तीन कानून हिंदुस्तान के, बिहार के किसान पर आक्रमण है, आपके खेतों पर आक्रमण है। बिहार में 2006 में मंडी के सिस्टम को नष्ट किया गया था, एमएसपी के सिस्टम को नष्ट किया गया था और आज गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान समझता है कि उसे अपने माल के लिए सही दाम नहीं मिल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, बिहार के किसान को अपनी मेहनत के लिए, अपने खून पसीने के लिए सही दाम नहीं मिल सकता। और इसीलिए ये जो आज युवा आए हैं, इन सबको अपने प्यारे प्रदेश को छोड़ना पड़ा। ये मुंबई जाते हैं,
बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ये खुशी से नहीं जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं क्योंकि बिहार को नष्ट कर दिया गया। आप याद रखिए, बिहार की जगह को समझिए, बिहार की शक्ति को समझिए। जब महात्मा गांधी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से लड़ने जा रहे थे, सुपर पावर था इंग्लैंड, उस समय का सुपर पावर था, दुनिया का सबसे पावरफुल देश था, जब गांधी जी हिंदुस्तान की शक्ति का प्रयोग करना चाह रहे थे तो हरियाणा नहीं गए, वो केरल नहीं गए, वो उत्तर प्रदेश नहीं गए, वो चंपारण गए, वो बिहार में गए। ये उधर आए, वो इधर आए, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो हिंदुस्तान को समझते थे, उन्हें मालूम था अगर हिंदुस्तान को खड़ा करना है, अगर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से लड़ना है तो लड़ाई बिहार से शुरू होगी, चंपारण से शुरू होगी। ये आपकी जगह है। आज आप जाते हो, आपको बताया जाता है, बिहार के युवाओं को बताया जाता है, सपना देखो, अपनी जिंदगी बनाओ, रोजगार ढूंढो। युवा पूछता है सपना कहां बनाऊं, रोजगार कहां मिलेगा, आपको जवाब मिलता है बिहार में नहीं, कर्नाटक में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, मगर बिहार में नहीं। बिहार में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, यह आपकी सच्चाई है और यह आपकी गलती नहीं। आप यह मत सोचिए कि बिहार के किसान में कोई कमी है, बिहार के युवा में कोई कमी है, नहीं, कमी नीतीश जी में है। कमी आपके चीफ मिनिस्टर में है, कमी आपके प्रधानमंत्री में है। कांग्रेस पार्टी, वो आपको सच नहीं बताते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको झूठ बताते हैं। दो लाख युवाओं को नरेंद्र मोदी ने, दो करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल रोजगार देने का वायदा किया था। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दीपक गुप्ता को नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी से निकाल के भगाया। दीपक गुप्ता को, दीपक गुप्ता बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। पहले क्या करते थे दीपक जी? दिल्ली मेट्रो। देखिए भैया, मुझे बताओ बिहार मेट्रो में आपने क्यों नहीं नौकरी ढूंढी? मेट्रो है ही नहीं। दिल्ली में मेट्रो में काम करते थे, वहां से भगा दिया। अच्छा, आप जैसे लाखों बिहारियों को भगाया, आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, मजदूर आए हजारों किलोमीटर वापस चले, देखा आपने, याद है? अरे भैया, चुनाव का समय है, याद रखना चाहिए आपको। याद है आपको, बिहार के लाखों मजदूर आए, आप
आपके जैसे पीने का पानी था, भोजन था, रेलवे ट्रेन थी, बस मिली। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, कहा पैदल भगाया, पैदल भगाया। मैं मजदूरों से बात कर रहा था, लॉकडाउन था, कोरोना का समय था, मैंने कहा नहीं, मैं बिहार के मजदूरों से जाके मिलना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मजदूरों से मिलना चाहता हूं। मैं जाके बात की, मैं बैठा सड़क पे बैठा, आपने देखा होगा, मैंने उनसे पूछा भैया बताओ क्या हुआ। मजदूर कहते हैं हमें एक बात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या? कहते हैं इस प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन करना था तो ठीक है कर देता, मगर इसने हमें 2-3 दिन क्यों नहीं दिए? अगर ये हमें 2 दिन दे देते लॉकडाउन हो जाता, हम ट्रेन पकड़ के बिहार आ जाते, हम बस में बैठ के आ जाते। उन्होंने मुझसे पूछा राहुल जी आप एक सवाल का जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन किया उन्होंने 8 बजे रात को झटके से क्यों किया, बिना वार्निंग दिए क्यों किया? मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, लॉकडाउन का जवाब और नोटबंदी का जवाब एक ही है, और आप अच्छी तरह सुनिए समझिए। आठ बजे रात को नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आते हैं, कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है, नोटबंदी करनी है, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द करने जा रहे हैं। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी आते हैं शाम के समय, कहते हैं 22 दिन की लड़ाई है, 22 दिन में कोरोना को खत्म कर देंगे, लॉकडाउन की जरूरत है। क्यों? नोटबंदी और लॉकडाउन का एक ही लक्ष्य था, जो हमारे छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनके धंधे को नष्ट करने का लक्ष्य था। लॉकडाउन ने आपके जेब में से पैसा निकाला, अंबानी अदानी की जेब से नहीं, वो आपको बैंक के सामने दिखे थे क्या? जब आप सब लाइन में खड़े थे आपने उनको देखा बैंक के सामने ना? आम जनता को आपने देखा, किसान को, मजदूर को आपने अपने जेब से पैसा निकाला, बैंक में डाला। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, और फिर सीधा आपका पैसा लेकर 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। आप देखते रह गए, आपने कहा भाई ये तो काले धन के खिलाफ लड़ाई थी, काले धन वाले तो एसी में बैठे, काले धन वालों ने बैंक से पीछे दरवाजे से जाके अपना पूरा पैसा बदल दिया, और आपके लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से निकले सीधा उनके जेब में गए। छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले सब नष्ट हो गए। अब चलिए लॉकडाउन के समय चलते हैं, लॉकडाउन में फिर से वही किया, लाखों करोड़ रुपए सबसे अमीर 5-6 बिजनेस वालों का कर्जा माफ किया, उनकी टैक्स की छूट दे दी। कांग्रेस पार्टी दिन भर चिल्ला रही थी कि भैया किसानों का कर्जा माफ करो, छोटे व्यापारियों की मदद करो, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों की मदद करो। मोदी जी कहते नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? और ये जो सारे के सारे दुकानदार थे, छोटे मिडिल साइज बिजनेस वाले थे, ये सब खत्म हो गए, नष्ट हो गए, इनका धंधा खत्म हो गया है,
ये जो है किसान जो है, मजदूर जो है, छोटे दुकानदार जो है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, यही रोजगार दिलवाते हैं। और इनकी रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी ने तोड़ दी। और बिहार में यह काम बहुत पहले शुरू हो गया था, 2006 में जो आपकी रीढ़ की हड्डी थी, जो आपके खेती का सिस्टम था, एमएसपी का सिस्टम था, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया। तो आज ये हालत है कि बिहार को छोड़िए, पूरे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी जी कभी कहते हैं 22 दिन की लड़ाई है, कभी कहते हैं भैया कोरोना आया है मोबाइल फोन की बत्ती जलाओ, कभी कहते हैं भैया थाली पकड़ो थाली बजाओ। मगर जो हमारा किसान भूखा प्यासा मर रहा है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं कहते? जो यहां लाखों युवा हैं, जिनका भविष्य उनके आंखों के सामने खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उनकी बात क्यों नहीं करते? जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-10 बड़े उद्योगपतियों का काम करते हैं। मुझे काफी दुख हुआ, दशहरे पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पुतले को पंजाब में जलाया जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका पुतला नहीं जलाना चाहिए। मगर पंजाब का किसान जो है, बिहार का किसान जो है, पंजाब का युवा, बिहार का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा, उसके दिल में गुस्सा है कि हमारे प्रधानमंत्री दिन भर बिहार के चीफ मिनिस्टर के साथ भाषण देते हैं, कभी चीनी की बात करेंगे, कहेंगे मैं चीनी दूंगा फिर हम एक साथ चाय पिएंगे, कभी दूसरे देशों की बात करेंगे, मगर जो देश के सामने समस्या है, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। पहले कहते थे, नीतीश जी कहते थे अब प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं कहते कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, जानते हैं झूठ बोला था, बिहार की जनता बात समझ गई है। अगर मैं बता रहा हूं, गारंटी देके कह रहा हूं, प्रधानमंत्री अगर आ गए और आज कह दिया कि 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, शायद भीड़ उनको भगा दे, कहे कि भैया आपने पहले झूठ बोला था, आपने दिया नहीं, अब आप हमसे झूठ मत बोलिए। बिहार में गठबंधन है, हम आरजेडी के साथ बाकी पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं, और एक युवा नेता खड़े हैं तेजस्वी, नया विजन देना चाहता है, रोजगार की बात करता है, और कांग्रेस पार्टी एक साथ उनके साथ यह चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने देश को डायरेक्शन दिया है। आपको याद होगा
मनरेगा हमने दिया, भोजन का अधिकार हमने दिया, किसानों का कर्जा माफ हमने किया। हम देश को चलाना जानते हैं, हम किसानों के साथ खड़ा होना जानते हैं, हम युवाओं को रोजगार देना जानते हैं। मगर एक कमी जरूर है हम में, हम झूठ बोलना नहीं जानते। उनके सामने हम झूठ बोलने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते, यह कमी है। मैं स्टेज से मान लेता हूं कि यह हमारे में कमी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने बनाया पकौड़ा है, अगली बार आएंगे पकौड़ा बना के मोदी जी को, नीतीश जी को थोड़े खिला देना। तो देखिए, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर बिहार का युवा, बिहार का किसान सिर्फ बिहार को रास्ता नहीं दिखाए। मैं चाहता हूं कि बिहार का युवा पूरे देश को रास्ता दिखाए। और मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब बाकी प्रदेशों के युवा रोजगार ढूंढने पटना आए। और ये हम कर सकते हैं, मिलकर ये काम हम कर सकते हैं, ये मैं चाहता हूं। सरकार बनेगी, सबकी सरकार होगी, ये मैं गारंटी आपको देके कह रहा हूं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि सरकार बनेगी तो सबकी सरकार होगी। हर जात की सरकार होगी, हर धर्म की सरकार होगी, हर डिस्ट्रिक्ट की सरकार होगी, हर ब्लॉक की सरकार होगी। और मिलकर, एक साथ मिलकर बिहार हिंदुस्तान को विकास समझाएगा। आप दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आपने मेरी बात सुनी, इतना प्यार दिया, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।